गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 17 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मैं अर्चना सिंह आप लोगों का वेलकम करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या स्पोर्ट्स में, क्या इकोनॉमी में नई घटनाएं घटी हैं आज के दिन 17 अगस्त 2020 के करंट अफेयर, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 74th स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कौन सी बार तिरंगा फहराया, मतलब कि कितने टाइम्स वो तिरंगा फैला चुके हैं। तो 7th बार इस समय जो 74th स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस पे 7th बार पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74th स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर सेवेंथ बार तिरंगा फहराया। वे लाल किले पर सबसे अधिक 17 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया है, उनके बाद दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी हैं। तो ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पिछले कितने साल में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। तो ये हुआ है 7 साल में। यार्क यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पिछले 7 साल में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। मौतों की संख्या 3,50,000 हो गई है। रिसर्च के मुताबिक धुआं रहित तंबाकू से होने वाली बीमारियों में भारत की 70% हिस्सेदारी है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बारबुडा कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता देने की घोषणा की है। तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की भारत सरकार ने घोषणा की है। इस राशि को देने का उद्देश्य कैरेबियन देशों में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है। तो ये दिया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BSA बोबडे और 4 मुख्य न्यायाधीश के बारे में 2 ट्वीट्स के लिए अवमानना का दोषी करार दिया है। प्रशांत भूषण की सजा पर 20 अगस्त को फिर से सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74th स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने 74th स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने संबोधित करते ही कहा कि इस योजना के तहत भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन द ग्रेट मैस्ट्रो अवनिंद्र नाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अवनिंद्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मैस्ट्रो अवनिंद्र नाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा मतलब वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालयों के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किया जाएगा और इसका समापन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक चिन्ह को चिन्हित किया गया है। जिसका करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई शहर का दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों को महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला ये पहला क्षेत्र बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोमा मंडल। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल कहा जाता है, कि अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों को खरीफ सीजन में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो ये की है गुजरात राज्य सरकार ने। हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को उसके प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं। चलिए गुजरात की बात कर लेते हैं, तो यहाँ इसकी राजधानी गांधीनगर है और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। यहाँ पर जनसंख्या है 6,04,39,692। क्षेत्रफल है 196,024 वर्ग किलोमीटर। गठन हुआ था इसका 1 मई 1960 को। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। तो आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपने चैनल को ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।